स्वागत करते हैं बिल्कुल आप सब लोगों को हमारे चैनल फारिक टच में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं प्रकाश कदरत सलाम फान और आप लोग के वीडियो लेकर आए आफ्टर दिनेश कार्तिक संजू सैमसन न्यू ऑफिशियल क्या मैच लुंगी का बुंगी बजा दिया आवाज करेंगे पठान भाई कैसा ही डल होता है। तो रात को बहुत अजब का मैच हुआ, पहले पठान भाई की जो है बात सुन लेते हैं, फिर बाद अपना विचार भी रख लेते हैं। भाई वॉच करें वीडियो को, वॉच करें इस पर मर्चेंट नंबर और जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। क्या करें अगर मैं सोशल सर फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्टेड। आवाज क्यों नहीं है भाई, आवाज क्यों नहीं है? अच्छा मेरे ख्याल से वीडियो में आवाज नहीं है। बनाने से पहले ही भाई मैं हंस रहा हूँ। हंसने की बात तो है लेकिन बनाने से रो रहे होंगे कि यार ये क्या गजब हुआ हमारे साथ। मैंने आज एक पिक रेडी करके रखी थी जो गाड़ी में जो बंदर को एक ऑरेंज देते हैं ना, तो मैंने कहा बांग्लादेश तो आज जरूर जीतेगा, तो मैं वो पिक लगा दूंगा कि चलो भाई वन विन फॉर यू। लेकिन भाई ये लुंगी लोमड़ी का ये तो पहले ही दो मैचों से ज्यादा हक गया भाई। थोड़ी गजब आ रहा है यार। एक ओवर में 5 छक्के पड़े, ये तो वो अफगानिस्तान के वो पुराने जमाने बॉलर का वो अब्दुल्ला मजारी, उसको एक ओवर में 5 छक्के पड़े थे, ये तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया अब्दुल्ला मजारी फ्रॉम बंगाल। बोल रहा था कि भाई आज बांग्लादेश से इंडिया की टीम को कोई नहीं बचा सकता। ये पाकिस्तानी जिसको भी सपोर्ट करते हैं उसकी माँ पहले पूछ जाती है। अरे भाई मैं मर जाऊंगा यार, उफ मेरे सीने में दर्द स्टार्ट हो गया यार। आपको पता है मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है भाई, ये मैच देख के मैं पागल हो गया। मैं फैमिली को लेके रेस्टोरेंट गया हुआ था और मैच में वहां पे रेस्टोरेंट में मोबाइल में देख रहा था भाई, इतना हंसा मैं उधर रेस्टोरेंट में, लोग परेशान हो गए, पागल वागल आ गया। क्या गजब का थोड़ा है भाई, क्या गजब का थोड़ा है। संजू सैमसन के लिए जो हम जो चिल्लाए थे ना कि भाई जस्टिस फॉर संजू सैमसन, भाई आज पूरा हो गया, आज वसूल हो गया। वो जितनी वीडियो मैंने संजू सैमसन के लिए बनाई थी उसने पूरा कर जो है आज पूरा उतरा है, क्योंकि भाई जब से मैं संजू सैमसन के लिए चिल्ला रहा था और शायद मेरे जैसे बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, तो संजू सैमसन ने कुछ कास करके नहीं दिखाया था, लेकिन संजू सैमसन को मिला भी तो कौन मिला, लुंगी मिला देश मिला भाई। भाई। भाई मुझे पाकिस्तान के ऊपर हंसी आ रही है, पाकिस्तान किस्म किस्म के मीम्स बना रहा था फेसबुक पे कि नो वन कैन सेव। ये सारे जो बांग्लादेश के साथ हुआ इसके सारे जिम्मेदारी इन लोगों पे आता है जो बांग्लादेश को जो है पाकिस्तान सपोर्ट करते थे। अभी उल्टी ना करना है भाई, भाई मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, इतना ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। लेकिन भाई वो मीम्स याद आ रही है मेरे को, आज सुबह से पाकिस्तानी जो है फेसबुक पे मीम्स चला रहे थे कि नो वन कैन सेव इंडिया फ्रॉम बांग्लादेशी टीम। भाई आज तो बांग्लादेश को वनडे का जो है स्कोर बना के दिया है और भाई विकेटें देके इनकी इतनी जल्दी जल्दी गिर रही है भाई, भाई बहुत असम दोस्तों, बहुत असम, मेरे से भोला नहीं जा रहा है। और पिछले जितने दिन से दवाइयाँ खाई थी जो सीने का जो हार्ट का दर्द कम हुआ था वो दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अभी जितना ज़्यादा हंसा हूँ दोस्तों इसकी बीमारी चल रही है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है दोस्तों, अगर तबीयत ठीक होती तो शायद बहुत ज़्यादा हंसता। अभी इस टाइम देखें ये मेरे पेट के हिस्से से लेके पूरे सीने में मेरा दर्द स्टार्ट हो गया।
ये जब जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हिंदुस्तान के अगेंस्ट सपोर्ट किया ना, तब तब इनकी ज्यादा धुलाई हुई। ये तुम्हें गेड़े में जा रहा, मेरे से नहीं ऐसा जा रहा, बेकार में तबीयत बिगड़ जाएगी और हॉस्पिटल जाना पड़ेगा फिर मेरे को। यार डॉक्टर वॉक्टर जो है वो उन्होंने मना किया ये सब कुछ करने से, तो भाई बेकार में फिर वो लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, सीरीज तो वैसे ही जीते थे, लेकिन भाई जिस तरीके से ये मैच जीता है ना, भाई बहुत डर स्टार्ट हो, बहुत हंसा हूँ भाई, बहुत हंसा हूँ दोस्तों, बहुत। एक तो मैं खाना इतना खा के आया हूँ आज, काफ़ी टाइम के बाद आज मैं बहुत कुछ खा के आया, क्योंकि मना है मेरे को हर चीज़ खाने का, लेकिन आज मैंने डॉक्टर की बात नहीं मानी, खाना भी ज़्यादा खा के आया और हंसा भी बहुत, पूरे रास्ते में हंसा। आपने खाना ज्यादा खाया और इन्होंने इसको ज्यादा बनाया। कि वीडियो बनाने से पहले भी मुझे हंसी आ रही थी। मैं कल सुबह पे डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। और बांग्लादेश को सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ यार, कि तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कोई और गेम स्टार्ट कर दो यार, ये क्रिकेट छोड़ दो भाई, ये तुम लोगों का काम नहीं है। तो ये थी वीडियो, रात को जो मैच हुआ था भाई, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बाद में हाईलाइट देखा कि कैसा मैच हुआ, कैसे धुलाई की भाई, स्कोर कैसे बने टी ट्वेंटी में भाई, 250 सुने थे हमारी टीम ने बनाई थी, 278 ऐसे रन बनाए थे, वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे पाकिस्तान की टीम के पास था ना, हाइस्ट जो टोटल है, जब आयरलैंड के खिलाफ देहरादून में बनाया था, जिसमें उन्होंने 160-165 रन बनाए थे इजाज़ ने। तो हम वही सोच रहे थे कि यार ये टारगेट किसी 300 रन, मैं जब कल मैंने देखा फेसबुक में यार ये स्कोर कैसे बन रहा है भाई, बाद में जब पता चला तो रियल में सब कुछ हुआ है भाई, सब सुन ने क्या मारी है, और साथ में सूर्य कुमार जो है दोनों खड़े थे भाई, मार रहे थे इतने बेदर्दी से मारा हो, कल वो दशहरा भी था जो नहीं, वो जो उसको मारते है रावण को मारते थे ये लोग, पता नहीं उसको रावण समझ रहे थे, पता नहीं क्या सीन था। तो दशहरा को जो इन्होंने बिल्कुल रियल निभाया है, मतलब वो सब कुछ बिल्कुल रियल किया हुआ है, वाकई में एक बहुत ही अलग लेवल का मैच खेला गया है और काफी बुरी तरह धुलाई हुई है। ये होते हैं पाकिस्तानियों को मैं ये कहूंगा कि ये होते हैं अपने देश में क्रिकेट कैसे खेली जाती है, आजकल वन ऑफ द वीकेस्ट बन गई है भाई, टेस्ट में क्लीन स्वीप कर दिया बांग्लादेश को, टी ट्वेंटी में तो उनकी भी इतनी बेइज्जती कर दी कि क्रिकेट की हिस्ट्री में सब कुछ नहीं हुआ था। इन लोगों को तो बहुत बिल्कुल बुरा हालात है भाई, अपने कंट्री में इतना बुरा हालात है, बांग्लादेश तो इन लोगों के भी बुरे हालात है, अपने कंट्री में इतनी बेइज्जत हो गए कि बाकी कंट्री दूसरे के देश में जाकर वहां उसकी पिचेस पे कर इतनी बेइज्जत नहीं होते जितने लोग अपने खुद अपने ग्राउंड में हुए। ये क्रिकेट तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर साफ बात की जाए, अच्छे अच्छे बॉलरों को खराब कर दिया, अच्छे बैट्समैनों को खराब कर दिया इन्होंने, बाकी हम क्या बोले इनके बारे में, बचा भाई भी यार खत्म हो गए, बर्बाद हो गए भाई, कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने इनको। स्वाभिक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।